चलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, अगर कोई भी पार्टिसिपेंट आता है तो कृपया उसका तालियों से प्रोत्साहन करें, क्योंकि यकीन मानिए एक सेंटर स्टेज में खड़े होकर बोलने के लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, ये भी मैंने करते करते सीखा है। तो आज थोड़ा बहुत कर पाता हूँ। तो सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और उनका क्लैप से स्वागत करिए, उसके बाद उतरे। चलिए अभी हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट कृष्ण, तो ये छोटे बच्चों से हमें सीखना चाहिए कि आज के बाद हम कम सोशल मीडिया यूज करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम यूज करें। अब हमारी थर्ड कंटेस्टेंट है प्रीशा। ये हमारी छोटी कंटेस्टेंट प्लास्टिक बैग बनी हुई है। बोलो बोलो, हाँ बोलो, अब बोलेंगे बोले, बोलो 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 बोलो। उसकी एक्चुअली लाइन थी जो इसने सिखाई थी उसको, टपक टाटा भैया प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर अस भैया, बट अभी वो नर्वस और स्पेशल इसके पापा को देख के मम्मी के साथ सब बोल रही थी वो। चलो बाय, ओके बाय, थैंक यू। सबसे अच्छा मैसेज दिया इसने। हां ठीक, जो बनी है मैगी। मैगी इसका दो First is masala mix. It has 239 grams calories and 1.5 sugar. Next is the healthy Maggi. All consume it every day, but they don't know that how much it contains the calories. In ads they show, ये है आटा से बना है और इसमें सारी सब्जियों की goodness है. But that's not the truth. The truth is that it contains more calories than masala maggi. 3,129 grams of calories and 3.5 grams of sugar. And I'm also not digested properly by human beings, which results in stomach ache. Thank you. Very good. Wow. Let's have a big hunger. किसान जय जवान जय किसान। मैं अन्न पैदा करता हूँ, ये भारत हमें किसानों का देश है। धन्यवाद। Hello, I have become Maharashtrian girl and I will say few lines about Maharashtrian culture. So let's begin. Maharashtra is a unique blend of culture, traditional and languages. It is home to some of the most renowned and celebrated festivals such as Ganpati, Ganesh Chaturthi, Diwali and Holi. Maharashtra's culture, art, music, dance, and literacy. Thank you. Very good. Very good. Through me, everyone connects with people and makes friends.
and increase their business a lot and advertise their product and reach the people. There are also disadvantages of mine. Sometimes everyone gets wrong information and easily become victims of online fraud. Nowadays, children are wasting so much time with me and are not able to focus on their studies. So from today onwards, promise that you all will not use me and focus on your studies. Thank you. Very good. अभी हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ रही है मुस्कान जो बनी है राधा करण किधर है करण क्या बन के आ रहा है करण अर्जुन बन के आ रहा है मैं राधा मैं अभी आप कृष्ण के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी फोन पड़ा मेरा उसका एक खूबसूरत किस्सा है कि मेरी छोटी सी दुनिया में अरे बाप रे अन्नपूर्णा बोला के चेयरमैन बनना चाहिए था छोटे चेयरमैन बनना चाहिए था राम राम सा चलिए मारवाड़ियों के साथ रहते इतना तो मारवाड़ी में भी सीख गई सबको ही पता चल गया राम राम सा अभी हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है जय जो बने अपने भारत के किसान जींस वाले किसान अरे वाह अपडेटेड मैं किसान हूँ मैं दिन का मेहनत करता हूँ वेरी गुड कृपा उनकी सेवा करें धन्यवाद वेरी गुड अरे अच्छा मैसेज था हमारे थर्ड कंटेस्टेंट है विष्णु जो भी एक किसान बने हुए हैं मैं एक किसान हूँ ना अनाज उगाता हूँ ना खेतों में अनाज उगाता हूँ दुर्गा की सेवा करता हूँ Very good. हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है शिवम जो हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी मेरा नाम प्रेमचंद गांधी है करमचंद गांधी है मुझे लोग प्यार से बापू बुलाते हैं अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था मैंने कुछ लोगों को देखा है जो सड़कों पर बीचों पर कचरा फेंकते हैं जिससे पर्यावरण होता है और जो गाड़ी मतलब करते हैं पर्यावरण प्रदूषित होता है इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि कृपया करके कचरों को कूड़ेदान में फेंके और गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें वेरी गुड अच्छा मैसेज था कृपया अभी जो भी आ रहे हैं ना उसको सुनिए बच्चों ने बहुत मेहनत करी है आप बाद में अपनी बातें कर लीजिए बाद में अपनी जो भी करना है वो करिए बट अभी यहाँ पे स्टेज पे बच्चा आने के बाद उसको सुनिए पहले हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अंश जो भी एक बने हमारे भारत के किसान सब किसान है अन्नपूर्णा वेला में स्मार्ट किसान है अन्नपूर्णा वेला में सब किसान है मैं एक किसान हूँ मैं दिन रात मेहनत करके अनाज बताऊंगी अरे चलिए वेरी गुड नेक्स्ट है हमारी कंटेस्टेंट अंश वो कृपया करके एक बार फोटो लेने सबका सबके साथ मुस्कान सबके साथ एक सेल्फी शेयर कर आ जाइए साथ में चलिए ग्रुप फोटो आ जाइए बगैर स्टेज पर आ जाइए जिगना सविता श्वेता चांदनी जितने भी लोग प्लीज जितने भी लोग आ जाइए स्टेज पर आ जाइए यहाँ पे स्टेज है एक बार बच्चों को
क्योंकि बच्चों को भी प्रोत्साहन दे। आजाओ आजाओ, चलिए चलिए। एक फोटो खींच लो सब बच्चे, सारे जय, तुम सामने आ जाओ, पीछे दिखोगे नहीं। यकीन माने, एक अनपुर छोटी सोसाइटी है, बट मैं बहुत सारी सोसाइटी में घूमता हूँ, पर इस तरह की कल्चरल एक्टिविटी बहुत कम सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो सारे मेंबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो ना कि पार्टिसिपेट बनाते हैं और साथ साथ एक गिवर का भी रोल अदा करते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। हाँ, खड़े रहो, खड़े रहो। अवार्ड मिल चुके हैं, तो अनिल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज बता दिए, हमारे सौभाग्य है जो आप एक आईसीटी के भी मेंबर है, एक बहुत एक्टिव मेंबर है, तो धन्यवाद। मैं भद्र जी से अनुरोध करूंगा कि सत्कार करें। हमारे बीच बीजेपी के गोल्डन नेस्ट जी, मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, न्यूली इलेक्टेड जिला के उपाध्यक्ष श्री ज्ञानी जी हमारे बीच में आ रहे हैं, साथ साथ संजय वोरा जी गोल्डन नेस्ट मंडल के जनरल सेक्रेटरी, सर कवि सिंह जी, आप तीनों का अन्नपूर्णा मेला में तहे दिल से स्वागत है। हर बार की तरह आप भी एक परमानेंट मेंबर की तरह हैं, जो जब भी हमने आपको रिक्वेस्ट किया है आप हमेशा की तरह आए हैं। सो आप दो तीन व्यक्ति हमारे सामने, एक ज्ञानन जी हैं जो जिनकी वाणी सुनने के लिए हमेशा लोग व्याकुल रहते हैं, जो प्योरली, जो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, जो प्योरली हिंदी रहती है उनकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे दो शब्द बोलिए। सबसे पहले मैं अन्नपूर्णा मेला के सभी रहवासियों को विनम्र प्रणाम करता हूं और पप्पा के चरणों में प्रणाम करते हुए यह निवेदन करता हूं, पप्पा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी ऐसे ही सुखी और समृद्ध आजीवन बने रहें, और जैसे पूर्व महापौर डिपल मेहता जी हैं और संजय वोरा जी हैं, हमारे साथ प्रवीण जी हैं, अम्मा शुक्ला जी सामने बैठी हैं, ऐसे हम सभी को सेवा के लिए हमेशा याद किया करें। इतनी सी हमारी पप्पा के चरणों में प्रार्थना है, और आप सभी हमेशा जब भी मौका मिले हमें सेवा के लिए याद किया करें, बस यही पप्पा के चरणों में प्रार्थना है। राजू भाई ने कहा नव निर्वाचित, तो उसके लिए मैं आप सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जितने भी भाई बहनों हैं, उनके वजह से ही यह पद एक जिम्मेदारी है, तो उनके वजह से ही शायद और पप्पा के आशीर्वाद से आज मैं वहां हूं, कल आप भी होंगे, तो यह सिर्फ एक प्रेम है आप सभी का, आज मैं हूं कल आप होंगे, यह व्यवस्था है, चलती रहेगी। और मैं पूरा एक बार फिर से, यहां कोई मंच नहीं है, कोई भाषण का विषय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही पप्पा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सब परिवार सुखी जीवन यापन करें, और ऐसे ही हम सभी को भुला के अपनी इस सेवा का अवसर देते रहे। धन्यवाद राजू। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी से भी दो शब्द कहें। गणपति बप्पा होरिया, मंगल मूर्ति होरिया, कुंदीर मामा की जय। अन्नपूर्णा मेला के संजय भाई कैसे रहवासियों को सबसे पहले क्या बॉडी सेट बनाया भाई, आपके पास तो हीरा है, हीरा कोहिनूर का, राजीव गोइंग के नाम से, इस बिल्डिंग के पास, जो पूरे हमारे हीरा भाईंदर के सभी गणेशोत्सव को प्रोत्साहन दे रहा है, और उनकी खुद की बिल्डिंग में जब हमें आने का सौभाग्य मिला है, उसकी वजह है हसमुख भाई, हसमुख गहलोत जी यहाँ आने वाले थे हमारे साथ, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी नादुरुस्त होने की वजह से उस बार वो कहीं पर भी गणेशोत्सव के लिए गए नहीं है, उनकी जगह हम जा रहे हैं, और सभी से आप सभी से उनकी तरफ से क्षमा याचना चाहेंगे कि इस बार वो नहीं आ पाए, लेकिन अगली बार पक्का आने का वादा भी किया है उन्होंने। चलो, इसके लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हुए, एक बार फिर से आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका तो बिल्डिंग का नाम ही अन्नपूर्णा मिला, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सुख और समृद्धि यहाँ पर भरपूर मात्रा में मिलेगी, और उसमें साथ में कोहिनूर भी है। धन्यवाद राजीव भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मुकुट क्या हो गया, हमारे बीच अनिल जी भी हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन
ये बंदा मल्टी टैलेंटेड है। बोलो बोलो। कराटे की सेवा सेवा प्रोड्यूसर डायरेक्टर और भी बहुत सारी खूबियां हैं। एक गाना तो, एक अनिल जी एक सॉन्ग हो जाए। हाँ बहुत अच्छे सिंगर भी है। चलिए ये बहुत सारी खूबियां हैं। तो फरमाइश में गाना हो जाए। ओवर टू यू अनिल। थैंक यू सो मच आप सबका। सबसे पहले अन्नपूर्णा के सभी रहवासी जो यहाँ हैं और जो यहाँ नहीं मौजूद हैं, सबके लिए गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं देख रहा था बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही उमदा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो चीजें को पुट अप कर रहे थे। ये थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स जिन लोगों ने उनको तैयार किया इस तरीके से। और आप लोगों ने जो चीजें कॉन्सेप्ट चुना है जैसे नो प्लास्टिक, इको फ्रेंडली, ये बहुत जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए। आज हम लोग अगर ये सिखाएंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए ये प्रेरणा होगी और वो कदम उठाएंगे जो अनुकूल और जरूरी है। क्योंकि हमने आज एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। कभी भी हम मेल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं कहीं गांव गली जाने के लिए, तो हम देखते हैं कि ट्रेन में बैठे हैं और फॉर एन एग्जाम्पल अगर वो मूंगफली खा रहे हैं तो वो मूंगफली का छिलका वहीं फेंक रहे हैं ट्रेन के अंदर। अब हम लोगों को 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा उसी ट्रेन में बैठ के जाना है और वो गंदगी वहीं कर रहे हैं। तो इतना भी नहीं कि एक पेपर बैग या कोई एक छोटा सा बैग अपने पास रखे और वो कचरा उसमें जमा करते रहे हम, और जब डस्टबिन मिले या स्टेशन आए डस्टबिन में हम वो फेंक सकते हैं। वैसे ही हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं कि बच्चे अगर स्कूल में तुमको बेटा चॉकलेट मिलेगी, चिप्स मिलेगा या कोई ये आपको कोई बर्थडे है किसी का, तो वो रैपर यहाँ वहां मत फेंको, उसको आप स्कूल बैग में या अपने पॉकेट में रख लो और जहां डस्टबिन मिले चाहे घर में आके डालो लेकिन डस्टबिन में ही डालो। ये अगर हम अभी से सिखाना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सालों में जब फॉरेन जाते हैं कोई विदेश की यात्रा में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कितना साफ सुथरा है, लेकिन हमारे देश में हमको बड़ी गंदगी दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कारण हम ही है। तो बस मेरा यही कहना है कि अभी से हम जिस तरीके से जागरूकता फैलाएंगे तो बच्चों को आने वाले जनरेशन को ये बहुत ज्यादा प्रेरणा दे। एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है अरे राजनीति में तो बड़ा ठान रहता है, राजनीति कौन करे, पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी। लेकिन यकीन मानिए अगर राजनीति गंदी है या राजनीति को जो गंदा या गलत सोच या नेगेटिव थोड़ी सी भी कोई रखता है तो वो ये बोल नहीं सकता, क्योंकि वो गंदगी को साफ करने के लिए ही राजनीति में उतरा जाता है। अगर हमारे बीच में आप संजय भाई हैं, मैडम हैं यहां पर, ये लोग ने जिम्मा लिया है कि हम लोगों को किस तरीके से रहना है और किस तरीके से अपने समाज को बनाना है। अगर हम सब अपने घर पे बैठ के ड्राइंग रूम में सिर्फ टीवी देखते रहेंगे, रिमोट से चैनल चेंज करते रहेंगे तो बाहर कुछ चेंज नहीं होगा। बाहर उस वक्त ये लोग रहते हैं जो चेंज लाते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और वाकई आपके पास में राजीव है यहाँ पर और आप लोगों से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उनको सपोर्ट करिए जहां पर जरूरत होती है, जिस तरीके की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे दोस्त हैं और आप प्लीज राजीव को सपोर्ट कीजिए। जब भी बिल्डिंग से कोऑपरेटिव कोई रिलेटेड या क्वेरी होगी या आपकी कोई भी उत्थान की जरूरत होगी, वहां पे बैठक तो है ही, संजय भाई है, हसमुख सर कितना सपोर्ट करेंगे, सेक्रेटरी बना दिया अभी क्या, सेवा के लिए हमेशा खड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भदन सिंह जी है, ज्ञानी जी का सत्कार करें प्लीज। वेरी गुड। मैं कमेटी मेंबर दीपक नायक से अनुरोध करूंगा संजय मोरे जी का सत्कार करें। हमारे लिए सेक्रेटरी सुधीर जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अनिल जी का सत्कार करें। माजी सेक्रेटरी प्रवीण जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं प्लीज आगे जाइए। संतोष आप प्रवीण जी का सत्कार करें प्लीज।
जिस तरह आपने कहा हर एक चीज को करने के लिए एक टीम वर्क की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो पीछे हमने वर्क किया है वो हमने प्योरली कार्डबोर्ड का यूज किया, हमने कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया है। साथ साथ ये शॉर्ट पीरियड में हमने कल्चरल एक्टिविटी और भी बहुत सारे प्रोग्राम किए गए। इसके पीछे कुछ खास लोग, बहुत सारे लोग इंक्लूड थे, बट कुछ लोगों ने अपने एक्स्ट्रा टाइम देकर इसको सफल बनाने के लिए प्रयत्न किया है। सो मैडम अन्नपूर्णा भिला की तरफ से उनको एक टोकन ऑफ थैंक की तरह एक मोमेंटो दिया जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटे सदस्य जिन्हें पूरे रात दिन एक कर ये पीछे का जितना भी प्रोग्राम वो हमारे साथ मिलकर बनाए, आदित्य पवार, मैं चाहूंगा आप मंच पर आ जाइए। रात के चार बजे तक शायद हमें हफ्ते भर बैठ बैठ के हमें काफी बार ये बना टूटा, सबने हमने हार नहीं मानी, प्रयत्न किया और आखिर में ये हमसे बन पाया। तो मैडम ये टोकन ऑफ थैंक्स अन्नपूर्णा की तरफ से आदित्य पवार जी को। ये प्रोफेशनली स्टूडेंट है। दूसरे शख्स है चिराग चौहान, जो साथ साथ चिराग चलिए चिराग नहीं है, वो भी एक सक्रिय जो मेरे साथ मिलकर रात के चार बजे तक उन्होंने ये बनाया। साथ में नेक्स्ट है जिगना ठक्कर जी, जो जो हर चीज के लिए दो जन मेरी टाइम पार्टनर है, जितने भी कल्चरल एक्टिविटी और जो कुछ है वो पूरा टेक कर लेगा। चलिए साथ साथ और एक मेंबर है, सविता नायक, जो साथ साथ भागीदार बनी है जिगना ठक्कर के साथ साथ। ये एक छोटा सा टोकन जरूर है, बट मैंने हसमुख जी से हमेशा एक चीज सीखा है, अगर कोई एफर्ट करता है तो उसको सबके सामने एक्नॉलेजमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि बाकी लोग भी इस चीज को प्रसन्न करें। तो मैं साथ साथ भदर जी, उनकी भाई अंजलि, बाकी सारे मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। इतने छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में हमने 30 साल के बाद वापस हमने गणपति शुरू किया है, तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू। एंड मैडम आप लोग का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जो आपने अपने कीमती से वक्त से अन्नपूर्णा में आने के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। अरे ट्रॉफी लेके आ, वो छोटी ट्रॉफी इधर है, लेके तू लेके आ। आदि आदि जा बेटा, आ जा लेके जा, ट्रॉफी लेके जा 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 मैं जा 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 हाँ आप अच्छे दिख रहे हो। उनका दर्शन हुआ वही बड़ी बात है। 11 बजे से पहले कंप्लीट हो गया। आप लोग कंटिन्यू करो। हम अपना चलिए सोफा मिल गया, सब मिल गया, अप्रिशिएशन मिल गया, अब अपने आगे का काम चालू करते हैं। ये आरव, आरव वापस पहन के आना, तेरा वीडियो नहीं हुआ है अभी, वीडियो यूट्यूब में जाएगा तो ये नहीं दिखेगा। वापस करवा लेते हैं, वापस, अरे वापस उसको
धोती कौन पहनाएगा? अरे अनकंफर्टेबल हो रहा था। चलिए हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट है कृष्णा।